पश्चिम बंगाल की राजनीति में शुभेंदु अधिकारी ने एक नया अध्याय जोड़ दिया है और आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे हल्दिया के एसडीओ ऑफिस में। दरअसल नंदीग्राम विधानसभा से वो इस बार बीजेपी के उम्मीदवार हैं, लेकिन क्या है तैयारियां आपको दिखाते हैं। मैं इस समय हूँ मंजूश्री चौक पर। मंजूश्री चौक की खासियत ये है कि यहाँ पर पास ही एक सिनेमा हॉल था जिसके नाम पर इस चौक का नाम रखा गया है और सामने है खुदीराम स्क्वायर, लेकिन चारों ओर अगर आपको कुछ दिखेगा तो बड़े बड़े पोस्टर और हजारों की संख्या में झंडे, तस्वीरें लगी हैं नंदीग्राम विधानसभा की, हल्दिया विधानसभा, महिषादल विधानसभा के तीनों उम्मीदवारों की, क्योंकि आज एक हैवी वेट कैंपेन भी है जिसमें कई बीजेपी के नेता मंत्री शामिल होंगे जैसे स्मृति ईरानी, बाबुल सुप्रियो, धर्मेंद्र प्रधान। तस्वीरों से पटा हुआ है ये पूरा चौक का इलाका, जहां आपको तस्वीरें दिख जाएंगी उम्मीदवारों की तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, स्मृति ईरानी की एक तरफ, तापसी मंडल की एक तरफ और ममता बनर्जी के बड़े बड़े पोस्टर्स ये कहते हुए कि बांग्ला निजेर मेके चाय। वहीं साथ ही साथ चारों ओर जो ये तस्वीरें हैं और ये झंडे हैं, ये अपने आप में राजनीति में फेरबदल और हलचल दोनों बयां कर रहे हैं। थोड़ी ही दूर पर एसडीओ ऑफिस में नामांकन पत्र तो दाखिल करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ अब शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से ही अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा चुके हैं, जिसका मतलब है कि अब वो कांथी या दूसरे इलाकों के वोटर नहीं रहे, वो अब बन गए हैं नंदीग्राम के वोटर और एज अ वोटर वो अब उसी इलाके में रहकर उसी इलाके के उम्मीदवार बनकर ये साबित करना चाहते हैं कि ममता बनर्जी बाहर की हैं, बंगाल की मुख्यमंत्री होकर, और वो घर के हैं। दिलचस्प होगा देखना राजनीति के ये उठापटक और फेरबदल। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, हल्दिया, एबीपी न्यूज। ABP News, आपको रखे आगे।